पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव के अवसर पर हवन कीर्तन किया गया। इस अवसर पर सभी ने अपने घरों में भगवान वाल्मीकि की पूजा की। परिवार के सदस्यों ने वाल्मीकि जी की उपासना की। शरद पूर्णिमा के अवसर पर फकीरचंद नागवंशी के आवाज पर वाल्मीकि महाराज की उपासना की गई। परिवार के सदस्यों ने मिलकर उपासना की। फकीरचंद नागवंशी ने कहा कि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता थे, उन्होंने ही सीता माता को शरण दी और सृष्टि का उद्धार किया था। पूजन के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। परिवार के सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस दौरान फकीरचंद नागवंशी ने कहा कि सभी को इस पर्व को मिलजुल कर मनाना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि जी महाराज किसी एक के नहीं थे, बल्कि उन्होंने सृष्टि का उद्धार किया था। इस अवसर पर सुमित नागवंशी, लव नागवंशी, अभय नागवंशी, भूमि, श्रुचि, कमलेश नागवंशी, पिंकी, सोनम, जयशिखा, कुसुम, अमित, रामदेव, राजीव के साथ और भी लोग मौजूद रहे। परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का प्रकट दिवस है, जो हर शरद पूर्णिमा पर मनाया जाता है, क्योंकि भगवान वाल्मीकि रामायण के रचयिता, सीता के रक्षक, सब कुछ के शिक्षक, परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का हम लोग पूरे साल पूजा पाठ करते हैं। आज एक विशेष दिन होता है, जो परमात्मा की हम सब पर कृपा होती है भगवान वाल्मीकि जी की, क्योंकि जब जब परमात्मा को जिसने पुकारा, उसकी परमात्मा ने उसको अपने शरण में लेकर उसका कल्याण किया। सीता ने जब भगवान वाल्मीकि को पुकारा तो परमात्मा जाकर उसे अपने आश्रम में ले आए। जब द्रौपदी ने पुकारा तो उसका युग पूरा किया परमात्मा ने। तो परमात्मा सत्युग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में भी हैं, और उन्होंने हर जगह दर्शा दिया कि सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने संसार की रचना की है। और उनका आज प्रकट दिवस हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे परिवार में और समाज के जो लोग भगवान वाल्मीकि पूर्ण जानकारी है, वो आज के दिन व्रत रखते हैं और शाम को अपने घर में दिया जलाते हैं, घर को दरवाजों पर, जिस तरह लोग दिवाली मनाते हैं उसी तरह हम भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस मनाते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, उल्टा नाम जग जाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना, कि भगवान वाल्मीकि ने का नाम जो उल्टा जब करोगे आप, तो उसका मतलब होता है किमिलवा। किमिलवा का मतलब है कमल पर प्रकट होने वाला। परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज एक वाल्मीकि समाज से नहीं है। आज के समाज के लोगों ने, आज के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उन्होंने भगवान वाल्मीकि को सिर्फ वाल्मीकि समाज से जोड़ दिया, एक कौम से जोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान वाल्मीकि सब समाज के प्रभु भगवान है। ये चीज तो राजा रामचंद्र जी स्वयं कहा था कि तुम त्रिकाल दशी मुनि नाथा विश्वविद तुमरे हाथा, हे प्रभु आप तीनों लोगों के ज्ञाता हो, यह संसार आपकी हथेली बेर के समान रखा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि वाल्मीकि समाज जो था, हाथ जोड़ के कहता हूँ, सबसे सनातन धर्म है और वाल्मीकि समाज ने बनाया था। रामायण जो लिखी है, सबसे ज्यादा प्रभु वाल्मीकि भगवान के गुण गाइए, जय वाल्मीकि। मैं अपने सभी मुरादाबादियों को दयावान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ ही साथ एक विनती करना चाहता हूं कि जैसे कि आप दीपावली, होली, अन्य त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह वाल्मीकि जयंती भी मिलजुल कर मनाएं।